वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें 5a माइनस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर जो है इसे एक्सपेंड करना है। सो ये होना चाहिए 5a का स्क्वायर प्लस माइनस 3b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू माइनस 3b प्लस 2 इंटू माइनस 3b into c plus 2 into c into 5a is equal to होगा 5a का स्क्वायर मतलब कि 25a स्क्वायर plus minus 3b का स्क्वायर मतलब कि 9b स्क्वायर plus c स्क्वायर यहां हो जाएगा minus 30 ए बी और यहां हो जाएगा माइनस 6 बी सी प्लस 10 सी। सो ये एक्सपेंड हो गया है। थैंक यू।